सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फोन के बारे में। दोस्तों आज के दिन लगभग सभी जानते हैं कि जियो का फोन अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपके पास कोई भी पुराना फीचर फोन अगर आप साथ में देते हो 501 रुपये, तो आप बढ़िया एसेंस जियो फोन ले सकते हो जिसकी मार्केट वैल्यू है 1500 रुपये की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, मैंने बताया था कि आपके मोबाइल को कौन कौन से 10 कंडीशन फॉलो करनी होगी जिसके बाद ही आप अपने पुराने फीचर फोन के बदले जियो फोन ले सकते हो 501 रुपये देकर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप समझ जाओ कि आपके मोबाइल को 10 ऐसी कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी उस वीडियो पे काफ़ी ऐसे कमेंट आए और बेसिकली आपके दिमाग में भी कुछ सवाल होंगे ऐसे। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल आपको लगता है ऐसा कि हम एक नया मोबाइल ले लेते हैं 400-500 रुपये का मार्केट में आपको बढ़िया एसेंस मिल जाएगा, क्या हम उसके बदले में एक्सचेंज ऑफर के बदले में हम ले सकते हैं जियो का फोन? तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपको मोबाइल बेसिकली रिलीज कब हुआ था, कब एक्टिवेट होता है, तो आप ये कैसे चेक कर सकते हो? तो आपके मोबाइल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए आपके मोबाइल की बैटरी खराब है, आपके मोबाइल का चार्जर खराब है, चार्जर डुप्लीकेट है, बैटरी डुप्लीकेट है, या आपके मोबाइल का स्पीकर खराब है, माइक खराब है, या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप एक नई सिम कार्ड लेने जा रहे हो, या फिर आप अपने पुराने ही नंबर को MNP करवाओगे, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ जो भी आपके दिमाग में डाउट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के किसी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, इससे पहले आपको बता देता हूँ कि कंपनी को आपके कंपनी से और कंट्री से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो बेसिकली चाहे 2G 3G 4G चाहे कैसा भी मोबाइल हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे टैबलेट हो, बेसिकली वो नॉन वोल्टी होना चाहिए, वो वोल्टी हैंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जियो हमेशा वोल्टी से ही काम करता रहा है। तो दोस्तों जो पहली बेसिकली आपके दिमाग में अगर आपका सवाल आ रहा है कि बेसिकली अगर हम ये चाहें कि हम 400-500 रुपये का मार्केट से कोई मोबाइल ले लें और बड़ी एसेंशियल एक्सचेंज ऑफर में फ़ायदा उठा लें, तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली उसका नाम अंबानी है। इतना दिमाग तो वो भी रखते हैं, अगर आप मान लो कोई 400-500 रुपये का मोबाइल मार्केट से ले लेते हो तो बेसिकली जो आपका IMEI नंबर जियो पोज एप्लीकेशन में दुकानदार रजिस्टर करेगा तो वो ये नोटिस करेगा कि आपको मोबाइल कब एक्टिवेट होता है। मान लीजिए आपने मोबाइल लिया 2 दिन पहले, आपने 2 दिन यूज़ करके आपने सोचा भाई मोबाइल तो एक्टिवेट हो चुका आपका, अब हम इसे बदलवा लेते, तो आपको बता दूँ कि बेसिकली ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ बेसिकली अगर ऐसा होता है, देखिए बेसिकली ऐसा अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी कंपनी इस चीज़ का फायदा उठा सकती है। जैसे एग्जांपल आपको पता है कि आज के दिन लोग जो भी 400-500 का मोबाइल लेंगे बेसिकली वो जियो एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाने के लिए लेंगे, तो कंपनियां बिल्कुल रद्दी रद्दी फोन मार्केट में उतार देगी जिसकी मार्केट वैल्यू बेसिकली अगर 500 रुपये का मोबाइल है तो 400-400 में बेच देगी, क्योंकि उनकी मार्केट सेल ज़्यादा हो जाएगी और बेसिकली कंपनी को इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनकी सर्विस सेंटर तक तो मोबाइल पहुँचेगा नहीं, क्योंकि लोगों को सिर्फ 2 दिन यूज़ करना होगा, उसके बाद में वो सर्विस जियो में यूज़ करेंगे क्योंकि जियो में एक्सचेंज करा के वो बड़ी एसेंस जियो का फोन ले लेंगे। तो इतना तो आप जान लीजिए कि उसका नाम मुकेश अंबानी है, ऐसी गलती बेसिकली वो नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आप दोनों केस में फंस जाओगे। अगर आपने मान लीजिए 400-500 का कोई मोबाइल ले लिया, अगर उस मोबाइल में सिम आपने डाल दी तो वो मोबाइल वहां से एक्टिवेट हो जाएगा, आप उस मोबाइल को वापस नहीं कर पाओगे, और जियो पोज में अगर आपका IMEI नंबर रजिस्टर नहीं हुआ, बेसिकली एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आपका मोबाइल बेसिकली वो आपका ही रह जाएगा, आप उसको मोबाइल का और कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि हमारा मोबाइल बेसिकली कब का है, शायद हो सकता है आपने मोबाइल खुद सेकंड हैंड लिया हो, तो आप बड़ी एसेंस से जान सकते हो IMEI.info नाम की एक वेबसाइट है जिसपे आप अपने पुराने फ़ोन का जो भी आपका मोबाइल है उसका IMEI नंबर डाल दीजिए, स्टार है जो इसका कोड है, इस जरिए आप बड़ी एसेंस IMEI नंबर चेक कर सकते हो। उसके बाद आप बड़ी एसेंस जैसे ही IMEI नंबर डालोगे तो आपको बता देगा कि इस मोबाइल की रिलीज डेट कब की है, तो आपको घर बैठे ही पता लग जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके मोबाइल का स्पीकर खराब है, माइक खराब है, या फिर आपके मोबाइल का चार्जर खराब है, या फिर चार्जर डुप्लीकेट है, या फिर आपके मोबाइल की बैटरी खराब है, या फिर बैटरी डुप्लीकेट है, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि कंपनी की ऐसी कोई कंडीशन है कि आपका मोबाइल खुला नहीं होना चाहिए, आप मोबाइल को खुलवा सकते हो, आपके मोबाइल में कोई दिक्कत है तो आप ठीक करवा सकते हो। अगर चार्जर डुप्लीकेट भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए आपको मोबाइल का चार्जर नहीं है आपके पास या फिर चार्जर खराब है, तो आप उसी दुकान पे जाओ और उसी दुकान पे आप एक 50-60 रुपये का चार्जर ले लीजिए, या फिर ऐसा करिए आप 50-60 का चार्जर लेकर अपने किसी भी भाई बहन के साथ उसे एक्सचेंज कर दे ताकि आप उनको पुराना दे दो कंपनी को, क्योंकि दुकानदार को भी आपके आगे ही सेंड करना होता है। तो दोस्तों आप ये चीज़ कर सकते हो, बैटरी भी डुप्लीकेट लगा सकते हो, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है तो आप ठीक करा सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं सिम कार्ड की। दोस्तों अगर आपके दिमाग में एक डाउट है कि हमारे पास जो फीचर फोन है तो हम एक काम कर दें कि 501 रुपये देकर इस फीचर फोन के बदले जियो का फोन लेके घर पे रख लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जियो का जो फोन आपको मिलेगा बेसिकली सिम कार्ड एक्टिवेट होने के बाद ही आपको मिलेगा, आपको मेंशन नहीं किया गया बेसिकली 501 रुपये तो आपको देने ही है, साथ में आपको एक नई सिम कार्ड के साथ एक प्लान भी लेना पड़ेगा। तो प्लान लेने के साथ में आपको एक सिम कार्ड लेनी होगी और उसके बाद ही आप उस फोन को ले पाओगे। तो ये बात तो काफी लोग जानते भी और कुछ लोग शायद नहीं जानते, तो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम एक काम कर लेते हैं कि हम मोबाइल भी लेके जाते हैं और हमारा जो भी पुराना नंबर है उसे जियो में MNP करवा लेते हैं, बेसिकली इसी चक्कर में तो
जियो का जो बेसिकली मानसून धमाका ऑफर आया है, क्योंकि जो भी पुराने यूजर्स बेसिकली जो भी आइडिया वोडाफोन एयरटेल जो भी अदर कंपनी के नंबर यूज़ करते फीचर फोन में, उन सभी को जियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपको बता दूँ कि अगर आप अपने पुराने नंबर को जियो में MNP करा के फोन एक्सचेंज कराना चाहते हो तो आपको ये प्रोसेस 5 दिन पहले करना पड़ेगा। आपको 5 दिन पहले अपने नंबर की MNP करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस फीचर का फायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों 5 दिन का टाइम लगता है जिसमें कि आपका नंबर MNP होता है। MNP होने के बाद आपका नंबर उस जियो फोन में रजिस्टर करके आपको फोन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैंने ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।